आज के आधुनिक युग में सबसे भयंकर अस्त्र परमाणु बम और हाइड्रोजन बम को माना जाता है। कुछ लोग इसकी तुलना ब्रह्मास्त्र से भी करते हैं और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ब्रह्मास्त्र ही सबसे भयंकर प्रलयकारी और विध्वंसक अस्त्र था। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सनातन धर्म में ऐसे ऐसे अस्त्रों का वर्णन है जो ब्रह्मास्त्र से भी ज्यादा ताकतवर और प्रलयकारी हैं, जिनसे पृथ्वी तो क्या इस संपूर्ण ब्रह्मांड को भी कई बार नष्ट किया जा सकता है। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र के चलाने के बाद ये 12 वर्ष के लिए पूरी जमीन और आसमान को बंजर बना देता था। लेकिन एक अस्त्र ऐसा था जिसका प्रयोग करने के बाद में सब कुछ राख बन जाता था और इसके द्वारा किए गए विनाश को सुधारा भी नहीं जा सकता था। और एक अस्त्र ऐसा भी था जिसका प्रयोग आज तक नहीं किया गया है और यदि इसका प्रयोग होता है तो राख भी नहीं बचती है, सब कुछ दी एंड हो जाता है। और हो सकता है भविष्य में ऐसे ही अस्त्र का प्रयोग पृथ्वी पर होगा जिससे पूरी दुनिया में सिर्फ आग ही आग होगी, चींटी भी नहीं बचेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रहस्य दुनिया हिंदी में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ में। आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मास्त्र से भी भयंकर 5 अस्त्रों के बारे में जानेंगे। यदि चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा देना, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा, क्योंकि मैं सनातन धर्म से जुड़े ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5 पर है पशुपतास्त्र। पशुपतास्त्र भगवान पशुपतिनाथ अर्थात भगवान शिव का सबसे प्रमुख अस्त्र है जिसका प्रयोग भगवान शिव इस सृष्टि का अंत करने के लिए करते हैं। पशुपतास्त्र के सामने ब्रह्मांड का कोई भी अस्त्र शस्त्र टिक नहीं सकता है। ये भगवान ब्रह्मा के बनाए अस्त्र ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मा सिर तक को निगल सकता है। ये पहले केवल भगवान शिव के पास ही था, लेकिन महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन ने भगवान महादेव से इसे प्राप्त कर लिया था। भगवान महादेव ने किरात अवतार लेकर पहले अर्जुन की परीक्षा ली थी और इसके बाद ही पशुपतास्त्र अर्जुन को दिया था। पशुपतास्त्र देते समय भगवान शिव ने अर्जुन से कहा था कि ये अस्त्र किसी भी मनुष्य, देवता, देवताओं के राजा, यम, यक्षों के राजा, वरुण किसी के पास भी नहीं है। भगवान शिव ने बोला था कि हो सके तब तक इसका प्रयोग कभी भी मत करना। लेकिन महाभारत युद्ध के दौरान कर्ण के साथ भी पशुपतास्त्र का उल्लेख है, पर शायद कर्ण के पास जो पशुपतास्त्र था वह अर्जुन के पशुपतास्त्र का एक छोटा वर्जन हो सकता है। यह इतना भयंकर अस्त्र था कि यह तीनों लोगों को एक साथ समाप्त करने की क्षमता रखता था। महाभारत काल में अर्जुन अकेला ऐसा इंसान था जिसे पशुपतास्त्र मालूम था। महाभारत में एक और अस्त्र का उल्लेख आता है जो भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण को पता था, पर शायद ये कोई दूसरा और तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो साधारण अस्त्र था जो भगवान शिव से संबंधित तो था, पर यह भगवान शिव के सबसे विध्वंसकारी अस्त्र जैसे पशुपतास्त्र, रुद्रास्त्र और महेरास्त्र से काफी कम ताकतवर था। भगवान महादेव पशुपतास्त्र को आंखों, दिल या शब्दों से भी आवाहित कर सकते थे, पर उन्होंने अर्जुन को पशुपतास्त्र दिव्य तीर और धनुष के रूप में दिया था। कुछ विद्वानों के अनुसार अर्जुन ने इस अस्त्र से जयद्रथ का वध किया था। इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वान मानते हैं कि उस समय सिर्फ इसका उल्लेख किया गया था। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने यह जरूर कहा था कि अगर तुम्हें पशुपतास्त्र याद है तो तुम जयद्रथ का निश्चित ही वध करोगे, पर इसका उपयोग करने का ठीक से उल्लेख नहीं मिलता है। और कई विद्वानों के अनुसार जिस अस्त्र का उपयोग अर्जुन ने किया था वो पशुपतास्त्र से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि रामायण युद्ध के समय रावण पुत्र मेघनाथ ने इस अस्त्र का उपयोग लक्ष्मण पर किया था, पर वाल्मीकि रामायण के अनुसार देखा जाए तो किए हुए अस्त्र का वर्णन रुद्रास्त्र और महेरास्त्र के वर्णन से मेल खाता है। इसके साथ प्रभु श्री राम के पास पशुपतास्त्र था। जब ऋषि वशिष्ठ और शुक्राचार्य के बीच में युद्ध हुआ था तब शुक्राचार्य द्वारा चलाए गए पशुपतास्त्र ने ऋषि वशिष्ठ के ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मासिर अस्त्र सहित सभी अस्त्रों को नष्ट कर दिया था और आखिर में वशिष्ठ को ब्रह्मदंड का उपयोग करना पड़ा था।
यदि आपको भगवान शिव का यह अस्त्र पसंद आया हो तो कमेंट में जय श्री महाकाल जरूर लिख देना। चौथा है नारायण अस्त्र। नारायण अस्त्र भगवान विष्णु का वो अस्त्र है जिसका उन्होंने अपने नारायण अवतार में उपयोग किया था। ये अस्त्र लंबे समय तक अनेकों प्रकार के अलग अलग शस्त्र और साथ ही अग्नि की वर्षा करता है। जब भी कोई योद्धा इसका विरोध करता है तो इस अस्त्र का तेज और ज्यादा बढ़ जाता है और वो पहले से ज्यादा तीव्रता से दुश्मन पर टूट पड़ता है। इस अस्त्र की शक्ति तब तक बढ़ती रहती है जब तक वो योद्धा या तो समर्पण ना कर दे या फिर उसकी मृत्यु ना हो जाए। नारायण अस्त्र के सामने जिंदा बचने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो यह है कि इसके सामने वाला आत्मसमर्पण कर दे, अपने शस्त्रों का त्याग कर दे। युद्ध के नियमों के अनुसार निहत्य पर वार नहीं किया जा सकता था और इसी कारण ऐसा करने से ये अस्त्र शांत हो जाता था। महाभारत के युद्ध के समय कुरु योद्धा अश्वत्थामा, जो कि कौरवों की तरफ से लड़ रहा था, उसने नारायण अस्त्र का प्रयोग पांडव सेना पर किया था। भगवान श्री कृष्ण, जो खुद भगवान विष्णु के अवतार हैं यानी भगवान नारायण हैं, उन्होंने पांडवों को समझाया कि अपने अपने हथियार नीचे रखकर इस अस्त्र को आत्मसमर्पित हो जाओ, यही एक उपाय है इससे बचने का। ऐसा भी कहा जाता है कि नारायण अस्त्र का उपयोग एक युद्ध में केवल एक ही बार किया जा सकता था और अगर कोई योद्धा इसका उपयोग दूसरी बार करता है तो जो योद्धा इस अस्त्र को चलाता है उसी की सेना को नारायण अस्त्र नष्ट कर देता है। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान जब अश्वत्थामा ने इस अस्त्र को चलाया था तब आसमान में 11 रुद्र और चक्र, गदा, त्रिशूल ऐसे लाखों प्रकार के शस्त्र भी प्रकट हुए थे। पांडव सेना के जिस किसी ने भी प्रतिकार करने की कोशिश की वो नष्ट हो गया था। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडव सेना को नारायण अस्त्र के आगे समर्पण करने को कहा था। भगवान कृष्ण की बात मानकर सभी ने ऐसा किया भी, पर भीम ऐसा करना कायरता समझते थे। वे काफी समय तक लड़ते रहे पर नारायण अस्त्र के सामने उनकी एक न चली और वह बुरी तरह से थक गए। आखिर पांडवों के समझाने पर उन्होंने भी समर्पण कर दिया था। नारायण अस्त्र को सतयुग में भगवान नारायण ने इजाद किया था। सतयुग वो युग था जहाँ सत्य और धर्म को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था और सत्य और धर्म सबसे प्रभावशाली थे। सत्ययुगीन युद्ध नियमों के अनुसार कभी किसी निहत्य या समर्पित पर प्रहार नहीं किया जा सकता था और उन्हीं नियमों के अनुसार अगर कोई सेना समर्पण कर देती है तो वो युद्ध का अंत होता था, क्योंकि सतयुग के अनुसार वो समर्पण योद्धा को होता था ना कि अस्त्र को। यानी अगर कोई योद्धा समर्पण कर दे तो वो युद्ध का अंत होता था और इसी कारण फिर भी अगर कोई योद्धा इस अस्त्र का दोबारा उपयोग करे तो वो यकीनन धर्म का आचरण नहीं कर रहा होता था और इसका उद्देश्य समर्पित सेना का संहार करना होता था। इस कारण से यह अस्त्र दोबारा उपयोग करने वाले योद्धा और उसकी सेना को नष्ट कर देता था और यदि सामने वाला समर्पण नहीं करता था तो फिर उसे बचाने वाला कोई नहीं है। बोलो जय श्री कृष्णा। नंबर 3 पर है ब्रह्मशिर। ब्रह्मास्त्र की तुलना हम आज के न्यूक्लियर या हाइड्रोजन बम से कर सकते हैं तो ब्रह्मशिर की तुलना हम किसी नैनो टेक्नोलॉजी से बने अस्त्र से कर सकते हैं। ब्रह्मशिर अस्त्र ब्रह्मास्त्र से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है और इसी कारण ब्रह्मशिर अस्त्र इंसान, असुर इनको तो मार ही सकता है। साथ ही ब्रह्मशिर देव और दानव दोनों को मारने की काबिलियत भी इस अस्त्र में थी। महाभारत में आए एक वर्णन के अनुसार ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी के सिर्फ एक सिर को निर्देशित करता है जबकि ब्रह्मशिर ब्रह्मा जी के चारों सिरों को निर्देशित करता है। ब्रह्मशिर को अगर अपनी पूरी शक्ति से चला दिया जाए तो यह पूरी पृथ्वी को नष्ट करने की काबिलियत रखता था। पुराणों के अध्ययन और वर्णित कथाओं से हमें यह पता चलता है कि यह अस्त्र एक तकनीक की तरह होते थे। जिस तरह एक हेलीकॉप्टर उसी तकनीक का उपयोग एक बड़े काम करने के लिए करता है, जिस तकनीक का उपयोग ड्रोन कुछ विशेष काम करने के लिए करता है, उसी तरह ब्रह्मशिर ब्रह्मदंड पशुपतास्त्र ये अस्त्र होने के साथ साथ एक तकनीक भी थे और हम इन अस्त्रों को एक लिमिटेड या विशिष्ट मर्यादित उद्देश्य के लिए अर्थात यानी अपनी पूर्ण शक्ति से काफी कम पर ही बहुत विशिष्ट काम के लिए भी चला सकते थे। उदाहरण के तौर पर हम आपको महाभारत की एक कथा बताते हैं। महाभारत युद्ध के आखिरी दिनों में
बदले की आग में तड़प रहे अश्वत्थामा ने एक रात्रि सारे उप पांडवों को रात में मार डाला था। पांडवों का वंश लगभग खत्म हो चुका था, पर उत्तरा के गर्भ में अभी एक उप पांडव था। अश्वत्थामा उसे भी नष्ट करना चाहता था। तब स्त्री हत्या अर्थात उत्तरा को मारे बिना उत्तरा के गर्भ में पल रहे पांडव पुत्र परीक्षित को मारना चाहता था। तब अश्वत्थामा ने ब्रह्मसिर अस्त्र का उपयोग उत्तरा के गर्भ पर अकेले बचे हुए पांडवों के वंशज परीक्षित का नाश करने के लिए किया था, और इसका उद्देश्य उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित को मारना था बिना उत्तरा को खरोच किए। और आज के मनुष्य के ज्ञान और विज्ञान के अनुसार ये नैनो टेक्नोलॉजी के बिना हो ही नहीं सकता। उस वक्त अर्जुन ने ब्रह्मसिर अस्त्र चलाकर परीक्षित की रक्षा की थी। पुराणों में वर्णन के अनुसार जब ब्रह्मसिर को युद्ध में छोड़ा जाता है तो भयानक अग्नि वर्षा बारिश के साथ हजारों उल्काएं गिरती हैं। युद्ध के बाद भी इस जगह पर 12 साल तक पानी की एक बूंद तक नहीं गिरती है। नंबर 2 पर है ब्रह्मदंड अस्त्र। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी के एक सिर को निर्देशित करता है। ब्रह्मसिर चारों सिरों को निर्देशित करता है, जबकि ब्रह्मदंड ब्रह्मा जी के पांचों सिरों को निर्देशित करता है। ब्रह्मा जी का पांचवा सिर भगवान शिव ने काट दिया था, इसी कारण ब्रह्मा जी के चार सिर हैं। यानी कि ब्रह्मदंड पूर्ण भगवान ब्रह्मा को निर्देशित करता है। महाभारत में ब्रह्म सिर का उपयोग कर्ण, अर्जुन, अश्वत्थामा, गुरु द्रोण, भीष्म को पता था, और ब्रह्मदंड का उपयोग करना सिर्फ भीष्म, गुरु द्रोण और कर्ण को पता था। पूर्ण ब्रह्म को निर्देशित करने के कारण ये ब्रह्मदंड दुनिया का सबसे भयानक अस्त्र है। यह इतना शक्तिशाली है कि यह अकेला 14 आकाश गंगाओं का विनाश करने की काबिलियत रखता है। पुराणों के अनुसार आज तक इसे सिर्फ ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मसिर को निरस्त करने हेतु ही चलाया गया है, और तब इसने ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मसिर को निगल लिया था। आध्यात्मिक विद्वानों में ये चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं कि ब्रह्मदंड ज्यादा शक्तिशाली है या पशुपतास्त्र। तो एक बार ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र में युद्ध होता है। इस युद्ध के दौरान ऋषि विश्वामित्र ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं, तो अपने बचाव के लिए ऋषि वशिष्ठ ब्रह्मदंड का उपयोग करते हैं। तब वशिष्ठ द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मदंड ब्रह्मास्त्र को निगल लेता है। ब्रह्मदंड विश्वामित्र द्वारा बाद में छोड़े गए सभी अस्त्रों को भी निगल लेता है। कुछ कथाओं के अनुसार ऋषि वशिष्ठ के खिलाफ ऋषि विश्वामित्र ने पशुपतास्त्र का उपयोग भी किया था, जिसे ब्रह्मदंड ने निगल लिया था। विश्वामित्र उन गिने चुने लोगों में थे जिन्हें पशुपतास्त्र अवगत था। पशुपतास्त्र के साथ साथ कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नारायण अस्त्र सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, पर वशिष्ठ और विश्वामित्र के युद्ध में विश्वामित्र ने नारायण अस्त्र का भी उपयोग किया था, जिसे ब्रह्मदंड ने निगल लिया था। प्राचीन वर्णनों के अनुसार ब्रह्मांड अस्त्र के प्रभाव में सारे समुद्र भाप बन जाएंगे और पृथ्वी और पर्वत हवा में उड़ने लगेंगे। यह अस्त्र इतना भयानक होगा कि यह सब कुछ नष्ट कर देगा, और बाद में राख तो क्या, कुछ भी नहीं मिलेगा। आज की आधुनिक विज्ञान की पहुंच को देखकर हम विचार करें तो शायद ब्रह्मदंड किसी मैन मैक ब्लैक होल की तरह था। जिस तरह ब्लैक होल बड़े से बड़े तारे को निगल लेता है, उसी तरह यह अस्त्र महानतम दिव्य अस्त्रों को निगल लेता था। अगर ब्रह्मांड अस्त्र को पूरी शक्ति से चला दिया जाए तो यह 14 आकाश गंगाओं को नष्ट कर सकता था। आधुनिक विज्ञान अभी तक इन ब्लैक होल्स के बारे में ही नहीं जान पाया, तो ऐसे अस्त्र का निर्माण करना आज के आधुनिक विज्ञान के लिए एक सपना ही है। महाभारत युद्ध के समय गुरु द्रोण ब्रह्मदंड का उपयोग पांडव सेना पर करने वाले थे। तब देवताओं ने उनसे प्रार्थना की कि यह पांडवों की ओर से लड़ रहे हर व्यक्ति के सहित उनके आने वाली पीढ़ियों तक का नाश कर देगा। तब मानव जाति के कल्याण के लिए गुरु द्रोण ने इसका प्रयोग नहीं किया था। क्या ऐसा कोई अस्त्र हमारे देश भारत के पास होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। नंबर 1 पर है सुदर्शन चक्र। कहते हैं कि सुदर्शन चक्र एक ऐसा अचूक अस्त्र था जिसे छोड़ने के बाद ये लक्ष्य का पीछा करता था और उसका काम तमाम करके वापस छोड़े गए स्थान पर आ जाता था। चक्र को विष्णु जी की तर्जनी उंगली में घूमते हुए बताया जाता है। सबसे पहले यह चक्र उन्हीं के पास था। सिर्फ देवताओं के पास ही चक्र होते थे। चक्र सिर्फ उस मानव को ही प्राप्त होता था जिसे देवता लोग नियुक्त करते थे। सुदर्शन चक्र ब्रह्मास्त्र के समान ही अचूक था। हालांकि यह ब्रह्मास्त्र की तरह विध्वंसक नहीं था,
लेकिन इसका प्रयोग अति आवश्यक होने पर ही किया जाता रहा है, क्योंकि एक बार छोड़े जाने पर यह दुश्मन को खत्म करके ही दम लेता था। कहते हैं कि यह ब्रह्मास्त्र को भी परास्त कर सकता था। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा अस्त्र सबसे भयंकर लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।